रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपको कुछ बनाने का मूड ना हो और आपके घर में फ्रूट्स हों, कम क्वांटिटी में हों, तो अगर आपको कुछ मज़े का खाना हो तो आप ये फ्रूट कस्टर्ड बनाएं। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का ये बनाएं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करती हूँ। हमने 1 किलो दूध ले लिया। अब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप कस्टर्ड डालेंगे। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने इधर वनीला कस्टर्ड लिया। अब वो इसमें हम डाल लेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम पकाएंगे ठीक होने तक। ठीक हो गए। अब इसको हम 5-6 मिनट और पका लेंगे। कस्टर्ड रेडी हो गया है। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने देंगे। फिर इसमें हम फ्रूट्स डालेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया, अब इसमें हम फ्रूट्स डालेंगे। ये हमने फ्रूट्स ले लिए, केला ले लिया, सेब, अनार और अंगूर और स्ट्रॉबेरी। अभी हम इसमें डाल लेंगे कस्टर्ड में। अब इसमें हमने ये सेब डाल लिए। अब इसमें हम केले डाल लेंगे। अब इसमें हम अंगूर डाल लेंगे। अब इसमें हम अनार डाल लेंगे। अब इसमें हम स्ट्रॉबेरी डाल लेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का बना है, आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।